इस बार भीषण बारिश से पूरा गुजरात डूब गया है। सैलाब के बीच जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। गुजरात के ज्यादातर जिले पानी पानी हैं। गुजरात के अलग अलग जिलों की 20 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं पुल बह गया, कहीं कारें बह रही हैं, कहीं सड़कों पर नाव चल रही हैं, तो कहीं हेलीकॉप्टर से जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद है। अहमदाबाद, खेड़ा, वलसाड़, जामनगर, वडोदरा, तमाम जो शहर हैं आपको बदले हुए नजर आएंगे, लबालब नजर आएंगे पानी से। हालात करीब करीब एक जैसे हैं हर जगह। अभी तबाही ऐसी है कि 28 लोगों की जान चली गई है। 42,000 लोग ऐसे हैं जिनको रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। और यहां पर सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ देवदूत बनकर सामने आए हैं। मौसम की मार ने गुजरात के लोगों को बंधक बना लिया है। कई शहरों में बाढ़ के बेचैन कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। न बिजली मिल रही है, न पानी है। ऐसे हालातों में लोग घरों में बंधक बन चुके हैं। फिलहाल सबसे बुरे हालात हैं वडोदरा के, जहां लोग फंसे हुए हैं, जीवन बचाने की जद्दोजहद में हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगातार राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। सैलाब ने गुजरात को जैसे चारों तरफ से घेर लिया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या, जिए तो जिए कैसे, जाएं तो जाएं कहां। पूरा गुजरात इस वक्त पानी पानी हो गया है। वडोदरा से लेकर जामनगर तक, कच्छ से लेकर द्वारका तक, नर्मदा से लेकर मोरबी तक, जूनागढ़ से लेकर राजकोट तक, खेड़ा से लेकर पोरबंदर तक और बोटाद से लेकर भावनगर तक भारी बारिश से हालात भयानक हो गए हैं। ये तस्वीरें वडोदरा से आई है, जहां एक रिहायशी इलाके की बहुमंजिला इमारत में 3 दिनों से कैद लोगों तक सेना के ये जवान नाव के जरिए खाने पीने का सामान लेकर पहुंचे, तो इन्हें देखकर बाढ़ पीड़ितों ने राहत की सांस ली। इंडियन आर्मी की तरफ से लगातार लाइव रेस्क्यू किए जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से अलग अलग सोसाइटियों में पिछले 3 दिन से परेशान लोग, जो पानी की बोतल लेकर फिलहाल इंडियन आर्मी के जवान यहां पर पहुंचे हुए हैं, उन तक पानी की बोतल जो है वो पहुंचाई जा रही है। इस सोसाइटी की भी अगर बात की जाए तो छतों पर सब लोग टंगे हुए हैं। बीते 3 दिन से यहां पे लगभग 10 से 12 फीट पानी है और अब आप देख रहे हैं कि लोग अपने बालकनी से, अपनी विंडो से नीचे एक थैली लटका रहे हैं। मैं साजिद जी को कहूंगा अपने राइट साइड के भी दृश्य दिखाएं, जो थैली लोग लटका रहे हैं उसके अंदर की तरफ पानी की बोतल्स बांध के दी जा रही है, क्योंकि बीते 3 दिनों से बड़ौदा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे ना बिजली है ना पानी है। लोग इसी प्रकार से अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं और अभी भी 36 घंटे का वक्त हो चुका है जब विश्वामित्री नदी से पानी छोड़ा जाना बंद कर दिया गया है, उसके बावजूद जो रेलवे कॉलोनी है वो पानी के अंदर जलमग्न है। गुजरात के अधिकतर इलाके कुदरत के कोहराम से कांप रहे हैं। लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि किसी तरह बारिश रुक जाए, लोगों की सांसें अटकी है। तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि गुजरात के 18 जिलों का संपर्क या तो नदियों से हो गया है या सीधे समंदर से हो गया है। बीते 72 घंटों से वडोदरा जलमग्न है और अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे जल भराव की स्थिति लगातार देखी जा रही है, जो कि आज के दिन की अगर बात की जाए तो बीते 36 घंटों से विश्वामित्री नदी के अंदर जो पानी छोड़ने का बंद किया गया है उसके बाद से कहीं ना कहीं सामान्य स्थिति अलग अलग मार्गों की होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि कल तक कमर तक पानी जहां पे देखा जाता था वहां पे पानी धीरे धीरे उतर रहा है। लेकिन फिर भी कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पे जल भराव की स्थिति लगातार देखी जा रही है। वडोदरा का ये पश्चिमी हिस्सा है जहां पे अभी भी लोग लगभग 1 फीट पानी के अंदर से अपने अलग अलग जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि वडोदरा के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां धीरे धीरे पानी उतरने लगा है, लेकिन वहाँ भी लोग किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं आप वो भी देख लीजिए।
में पिछले तीन दिनों से बाढ़ की स्थिति थी, आज धीरे धीरे पानी उतरना शुरू हुआ है। हम अभी हरणी इलाके में है, हरणी मोटनाथ इलाके में है, जहाँ पे ये जो बड़ी बड़ी मंजिलें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वहाँ पे एक एक माले तक पानी बढ़ चुका था। आज यहाँ से पानी उतरना शुरू हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स में भी कई दुकानों में पानी भर चुका है। लगातार काफ़ी बहुत ही नुकसान हुआ है, कई गाड़ियों का नुकसान हुआ है, और यहाँ पे लोग लगातार तीन दिनों तक यहाँ पे पानी में थे। आज पानी उतरना शुरू हुआ है, यहाँ पे ना तो प्रशासन आया है और ना ही कोई मदद मिल चुकी है। बाढ़ का पानी अब बर्बादी से आगे बढ़कर बंटाधार करने पर उतारू है। NDRF के जवान लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं, मकानों में फंसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, मगर बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जिन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, हम तो अड़ोस पड़ोस से लेकर खा लेते हैं, तीन चार दिन से ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं। विस्तार से उसमें बताने गए थे, सब सामान घर के अंदर रहेगा, खाली बच्चे लेके भाग पाए हम। प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं, ना पुलिस वाले ना किया, ना NDRF वाले किया, ना कोई कॉपरेशन वाले किया, ना कोई कलेक्टर ना कोई कॉरपोरेटर करने आया। ऑटोमेटिक इतना बताया भी नहीं कि पानी ज़्यादा छूटेगा, आप लोग अपना अपना सामान निकाल लो। हम हर बाढ़ की तरह इतना जानते कि हमारे घर में 4 फीट पानी आता है, बाकी उसके ऊपर हम अपना सामान सेव किए थे, पर पूरा पतरा हमारा डूब गया, इसके अंदर कुछ बचा नहीं। ऐसे रोड पे भटक रहे हैं इधर उधर से, कहाँ से क्या मिलेगा? अभी आज कितने टाइम हुए, अभी तक तो चाय नहीं मिली मेरे को। परेशानियों का सैलाब आया है, कहीं जहाज बह गया, कहीं कारें बह गई, कहीं सड़कें दरिया हो गई, कहीं सैलाब घर में घुस गया। गुजरात में बारिश ने बर्बादी के वो निशान दिए हैं जिन्हें कहना तो आसान है मगर सहना बहुत मुश्किल है। वडोदरा से अतुल तिवारी और दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में सौराष्ट्र से लेकर कच्छ तक कुदरत का कोहराम मचा हुआ है। राजकोट से जामनगर और खेड़ा तक लोगों की जान मुश्किल में है। शहर शहर से सैलाब से मची तबाही का भयावह मंजर है। ये तस्वीरें गुजरात के कच्छ इलाके की हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। इसी बारिश को देखकर गुजरात वालों की सांसें अटक रही हैं। गुजरात के कच्छ में पिछले दो दिन से भारी बारिश जारी है, जिसकी वजह से काफी जगहों पर तबाही का मंजर सामने को देखने को मिल रहा है। हम अभी है अबरासा तहसील में, आप देख सकते हैं ग्रामीण इलाकों के क्या हालात है। ग्रामीण इलाकों में लगातार जलभराव की स्थिति बन रही है, काफी जगहों पे बाढ़ जैसे हालात हैं, काफी जो ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाले हाईवे हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। लगातार भारी बारिश और तेज हवाएं जारी है, जिसकी वजह से काफी घरों में नुकसान की भी खबरें सामने आई है। निचले इलाकों में जिस तरीके से जलभराव हुआ है, उसकी वजह से काफी लोगों को स्थानांतरित करना पड़ा है, अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। लगातार भारी बारिश की वजह से कच्छ के विभिन्न इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। और ये तस्वीरें गुजरात के खेड़ा की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा शहर पानी में समा चुका है, पूरी की पूरी मार्केट डूब चुकी है, सड़कों पर सैलाब ही सैलाब है। खेड़ा जिले में आफत की बारिश तो कम हो गई है, लेकिन जो बाढ़ का पानी है वो कहर ढा रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये खेड़ा शहर है और खेड़ा शहर का ये न्याय मंदिर है, जहाँ पर लबालब जो है वो शेरी नदी का जो है पानी भरा हुआ है। यहाँ पर शहर का जो शुरुआती इलाका है, वहाँ से ही जो है बाढ़ का पानी जो है शुरू हो गया है। बारिश के बाद से बाढ़ ने खेड़ा शहर में कहर ढाया है। ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये खेड़ा शहर का बस स्टैंड है, जहाँ पर जो है लबालब पानी भरा हुआ है। पूरे हालात जो खेड़ा शहर की बात करें तो खेड़ा शहर में पूरे ऐसे हालात है, जहाँ पर जहाँ देखो वहाँ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और ये जामनगर की तस्वीरें भी देख लीजिए, सैलाब ने सीधा जिंदगी पर धावा बोला है। यहाँ सड़कें बह गई, कारें बह गई, जामनगर में भी हेलीकॉप्टर ही जान बचाने आया।
सैलाब में फंसे युवक को हेलीकॉप्टर की रस्सी से ऊपर खींचा गया। वो दो दिन से सैलाब में घिरी इमारत की छत पर फंसा था। कॉलोनियां डूबी हैं, पक्के मकान तक सैलाब की धार के प्रहार से टूट चुके हैं। आज तक की टीम जामनगर में लोगों की मुसीबतें भी आपको दिखा रही है। अहमदाबाद से लेकर राजकोट तक बारिश से हाहाकार मचा है। खुद क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की विधायक पत्नी हालात का जायजा लेने के लिए बाढ़ के पानी में उतरी। गुजरात के कई शहरों का यही हाल है। सबसे ज्यादा तबाही सौराष्ट्र के शहर वडोदरा, जामनगर, द्वारका और कच्छ में। यहां रेड अलर्ट है, लगातार बारिश हो रही है और अगले 5 दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली। पूरे गुजरात में बाढ़ और बारिश के बीच युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत दूसरी तमाम सरकारी एजेंसियां हजारों जिंदगियों को सही सलामत बचा चुकी हैं, लेकिन कई इलाकों में अभी भी बाढ़ से जूझ रहे लोगों को मदद का इंतजार है। निगाह की हद जहां तक है, बस पानी ही पानी है। शहर में सैलाब है, रास्तों का पता नहीं है, घर बार सब डूबे हुए हैं। गुजरात के 18 जिलों का हाल बेहाल है। निचले इलाकों में हालात इतने बुरे हैं कि जान पर बनाई है। बाढ़ में अब तक 28 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में राहत और बचाव का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी जुटी है। पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और वन विभाग की टीमें भी लगी हुई हैं। ये मुहिम है सैलाब से लड़कर जिंदगी बचाने की। इस मुहिम में सेना भी जुटी है, एयरफोर्स भी जुटी है। इन सभी का सिर्फ एक ही मकसद है, गुजरात में सैलाब संकट से जूझ रहे ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जा सके। बाढ़ प्रभावित जिलों में भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जहां नावों के जरिए पहुंचना मुमकिन नहीं है, वहां हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाया जा रहा है। ये तस्वीरें द्वारका के कल्याणपुरा इलाके की हैं, जहां आज सुबह 4 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। सेना ही नहीं, इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम भी हेलीकॉप्टर के जरिए जिंदगी बचाने में जुटी है। मकानों की छतों पर खड़े लोग हों या सैलाब के बीच टीलों पर अटकी महिलाएं, हेलीकॉप्टर एंड रेस्क्यू स्ट्रेचर के जरिए उनको बचाया जा रहा है। ये तस्वीर पोरबंदर के कुटियाना की है। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जल पिघलने के बीच इस इलाके के लोगों की हालत क्या होगी। उन लोगों के बारे में सोचिए जो अपने घर में कैद हो गए, मकान की पहली मंजिल तक पानी है। यहाँ से निकले तो कैसे निकले। मगर ऐन वक्त पर मदद के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच गया। छत पर खड़े लोगों को वहां से निकालने के लिए सेफ्टी बेल्ट के साथ एक जवान रस्सी के जरिए उतरा और उसी रस्सी की मदद से दोनों लोगों को हेलीकॉप्टर पर लाया गया। पोरबंदर और कल्याणपुर में भी हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया गया। बाढ़ के संकट के बीच गुजरात सरकार ने भारतीय सेना और वायुसेना से मदद की मांग की थी, जिसके बाद कई टुकड़ियां अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई हैं। कच्छ के समंदर में लंगर डाले जहाज के लिए बारिश और तेज हवा आफत बनकर आई। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि लंगर ही टूट गया और देखते ही देखते जहाज समंदर की लहरों में बह गया। छोटे छोटे नावों में जहाज को बचाने की कवायद धरी की धरी रह गई। सैलाब के बीच रेस्क्यू की ये तस्वीर तो आपको हैरान कर देगी। सैलाब में फंसी हुई एक नाव और नाव में जिंदगी की जंग लड़ रहा एक शख्स, ये छोटी सी कमजोर नाव भला कब तक तेज बहाव वाली लहरों का सामना कर पाती। ये चमत्कार से कम नहीं था कि रेस्क्यू टीम की नजर इस नाव पर पड़ी, लेकिन इस शख्स को वहां से निकालना आसान नहीं था, क्योंकि लहरों पर किसी तरह तैर रही नाव पर रस्सी के सहारे रेस्क्यू नहीं हो सकता था। हालात देखते हुए एक रेस्क्यू स्ट्रेचर नीचे गिराया गया, जिस पर बैठकर ये शख्स धीरे धीरे ऊपर आया। सेना के जवानों ने एक और जिंदगी बचा ली। गुजरात में पिछले कुछ दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद ज्यादातर जिलों का यही हाल है।
सड़कें डूब गई हैं, गांव जलमग्न हैं और शहरी इलाकों में भी पानी भरा है। जहां लोग निकल नहीं पा रहे या जहां मदद नहीं पहुंच पा रही, वहां सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला है। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 18,000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है, जिन्हें सरकार के बनाए अलग अलग राहत शिविरों में रखा गया है, जहां उनके खाने पीने और दवाइयों का इंतजाम प्रशासन ने किया है। यहां पर जैसे ये एक रूम है, तकरीबन 350 से 400 लोग यहां पर जंगलापुरा के और जो आसपास के इलाके हैं, एकता नगर के काफ़ी लोगों को यहां पर रिलोकेट किया गया, क्योंकि लोगों के घर भी बह गए हैं, काफ़ी चीज़ों का और सामान का नुकसान भी हो गया है। मैं मेरे कैमरामैन को कहूंगा कि पैन करके थोड़े से और विजुअल्स दिखाएं और हम उसी के चलते दौरान कॉपरेटर से बात करेंगे। ये लोगों को खाने के लिए RMC सप्लाई कर रहे हैं। 300-350 लोग का खाना दररोज दोपहर को और शाम को और सुबह नाश्ता का भी इधर व्यवस्था कर रहे हैं। RMC पूरे जोर शोर में इधर आते हैं। अभी राज्य के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे राहत एजेंसियों तक इन लोगों की सूचना पहुँच रही है, बिना वक्त गवाए उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। द्वारका से रजनीकांत जोशी, पोरबंदर से जीतेश चौहान और कच्छ से कौशिक कांतेजा के साथ आज तक ब्यूरो। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में अब की बार सामान्य से 40% ज्यादा बारिश हो चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आने वाले दिनों में बर्बादी की बारिश कितना कहर ढाएगी कहा नहीं जा सकता। गुजरात में कुदरत के क्रोध के पीछे मौसम वैज्ञानिक मानसून की बारिश के बदलते पैटर्न को देख रहे हैं, मतलब कुदरत के बदलते कानून ने खतरे की घंटी को बजा दिया है। शहर में सैलाब है या सैलाब में बसा शहर, हर तरफ पानी ही पानी है। न रास्ते का पता है, न सड़कों का। आसमान से न चौड़ी चौड़ी सड़कें दिख रही है और न ही फ्लाईओवर, हर तरफ बस पानी ही पानी है। नदियों की धार ऐसी है कि सब कुछ बहाने पर आमादा है। धार के आगे ना पुल टिक पा रहे हैं, ना ही रास्ते में आने वाली गाड़ियां। सड़कों पर भी नदी उतर आई है, ऐसे में जरा भी हिमाकत की तो जान पर बनाती है। गुजरात वालों के लिए मौसम विभाग भी डराने वाली खबरें और अलर्ट जारी कर रहा है। अगले 5 दिनों के लिए गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात के 33 जिलों में से 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। गुजरात के 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भयंकर बारिश और बाढ़ से गुजरात में जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। गुजरात वालों की जान सैलाब में अटकी है। इस बीच PM मोदी ने गुजरात के इस आफतकाल को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फिर बात की है और केंद्र से पहुंची सहायता के बारे में भी जानकारी ली है। राजकोट, आनंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना को तैनात किया गया है। अहमदाबाद, राजकोट, बोटाद, आनंद, खेड़ा, महिसागर और मोरबी में प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। आज तक ब्यूरो। आज तक के गुजरात स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।